Hey there, welcome to another episode of Coding with CodeCat 15. This is Ravi. Core data में ऐसे बहुत से features हैं जो developer का काम बहुत ही आसान कर देते हैं. And lightweight migration is one of those features. आज के session में we are going to understand what are lightweight migrations. आज के session में कोई code नहीं है because everything is configuration based. Now before we begin with this session, if you like the work that I'm doing, if you're learning something from my videos, then I would request you to please do subscribe to the channel and share it with your iOS group. That being said, let's begin our today's session. डेवलपमेंट मोड में एप्लीकेशन में कोई भी चेंजेस आते हैं तो वी कैन ईजिली परफॉर्म दोज चेंजेस विदाउट वरिंग अबाउट एनीथिंग, क्योंकि अभी तक आपका एप्लीकेशन ऐप स्टोर पर रिलीज नहीं हुआ है. बट एक बार जब आपका एप्लीकेशन ऐप स्टोर पर रिलीज हो जाता है एंड पीपल स्टार्ट यूजिंग योर एप्लीकेशन, तब कहानी वहीं खत्म नहीं होती. यू वॉन्ट टू एड मोर गुड फीचर्स टू द एप्लीकेशन एंड प्रॉबेबली सम बग फिक्सेस फ्रॉम द प्रीवियस वर्जन. टू इम्प्रूव योर एप्लीकेशन इन द नेक्स्ट वर्जन, यू मेक कोड चेंजेस और यू इम्प्रूव परफॉर्मेंस. If your application is using a database, अक्सर नए changes की वजह से आपको database में भी changes करने पड़ सकते हैं. Database के changes काफ़ी हद तक कुछ इस तरह होते हैं. Adding a new table, कोई existing table के column को आप rename कर रहे हो या फिर नए column उस table में add कर रहे हो. And sometimes you even delete an existing table, और ऐसे बहुत सारे changes हो सकते हैं database में. अब नए version के लिए ये database changes आप development mode में बड़ी आसानी से कर लोगे. लेकिन एक छोटी सी problem है, जो application already app store पे है. मान लो उसके डेटाबेस में एक टेबल है विद द नेम एम्प्लॉय. जो यूजर हैं हमारे इस एप्लीकेशन के, उन्होंने कुछ रिकॉर्ड इस एम्प्लॉय टेबल में सेव किए होंगे. अब नए वर्जन में आपको एम्प्लॉय टेबल में एक नया कॉलम ऐड करना है और एक नया डिपार्टमेंट टेबल क्रिएट करना है. वर्जन 1 के डेटाबेस को यह आइडिया बिल्कुल भी नहीं है कि जब नया अपडेट आएगा तब उसे करना क्या है, उसे कौन से कॉलम ऐड करने हैं और कौन से डिलीट करने हैं, क्योंकि डेटाबेस में चेंजेस ऑटोमेटिकली नहीं होते हैं. यू हैव टू एक्सिक्यूट सम क्वेरीज टू मेक दोज चेंजेस. डेवलपमेंट के वक्त ये चेंजेस करना ईजी है क्योंकि हमारे पास कंट्रोल होता है, तो हम मैनुअली ये क्वेरीज एक्सिक्यूट करते हैं. बट जो एप्लीकेशन ऑलरेडी ऐप स्टोर पे है उसके डेटाबेस में ये चेंजेस करने के लिए हमें कोड लिखना होगा. अगर मैं SQLite यूज कर रहा होता तो एप्लीकेशन के लोड पे कोड लिखता जो मुझे ये बताता कि डेटाबेस का वर्जन कौन सा है, और ओल्ड वर्जन डिटेक्ट होने पर जो मुझे नए चेंजेस करने हैं मैं उसका कोड एक्सिक्यूट करता. मुझे यहाँ ये सब कोड इसलिए लिखना पड़ रहा है क्योंकि जब मैं नया वर्जन रिलीज करूँगा तब जो पुराना डेटाबेस है यूजर के फोन पे, उसमें ये सारे नए चेंजेस रिफ्लेक्ट होने चाहिए. और बिना क्वेरी एक्सिक्यूट किए हम डेटाबेस में कोई चेंजेस नहीं कर सकते. और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो नए अपडेट में जब यूजर नए फीचर्स को यूज करने का ट्राई करेगा तब एप्लीकेशन क्रैश हो सकता है. तो अब मुझे नए फीचर्स के साथ साथ यूजर के डेटाबेस को अपडेट करने का कोड भी लिखना पड़ेगा, यानी डबल मेहनत, डबल कोडिंग और डबल टेस्टिंग. बट कोर डेटा के केस में ऐसा नहीं है. कोर डेटा में मेजॉरिटी ऑफ द कोड इज हैंडल्ड बाय द फ्रेमवर्क इटसेल्फ. टू हैंडल एनी न्यू चेंजेस फॉर योर न्यू वर्जन, कोर डेटा हैज अ फीचर कॉल्ड एज माइग्रेशन. माइग्रेशन के दो टाइप होते हैं, वन इज अ लाइटवेट माइग्रेशन एंड द अदर इज अ हैवीवेट माइग्रेशन. मेजॉरिटी ऑफ द टाइम विल बी यूजिंग द लाइटवेट माइग्रेशन. इन दिस सेशन विल अंडरस्टैंड कि हमें लाइटवेट माइग्रेशन कब यूज करना चाहिए. एज पर एप्पल डेवलपर डॉक्यूमेंटेशन, कोर डेटा विल परफॉर्म द लाइटवेट माइग्रेशन अंडर द फॉलोइंग कंडीशंस. बहुत सारे पॉइंट है राइट, बट लेट मी हाईलाइट फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर यू. जब भी आप आपकी एंटिटीज, एट्रीब्यूट या रिलेशनशिप को रीनेम करते हो, और रीनेमिंग करने के लिए वी हैव टू यूज द रीनेमिंग आइडेंटिफायर विच इज जस्ट अ सिंपल कॉन्फिगरेशन, जो हम आज के डेमो में देखेंगे. जब भी आप कोई एंटिटी, एट्रीब्यूट या रिलेशनशिप को ऐड करते हो एंड जब भी हम किसी एग्जिस्टिंग एंटिटी, एट्रीब्यूट या रिलेशनशिप को डिलीट करते हैं. एंड देर इज वन मोर हाईलाइट विच इज वेन यू चेंज अ रिलेशनशिप टाइप फ्रॉम 1 to 1 टू 1 to many. सो दीज आर सम ऑफ द क्राइटेरियाज जहां कोर डेटा विल परफॉर्म ए लाइटवेट माइग्रेशन. आप किसी एक एंटिटी का डेटा किसी दूसरे एंटिटी में ऐड कर रहे हो, देन इन दैट केस वी शुड चूज टू परफॉर्म हैवीवेट माइग्रेशन. लेट्स से अगर आपको किसी एट्रीब्यूट का डेटा टाइप चेंज करना है, सो इन दिस केस आई हैव एन आईडी एट्रीब्यूट जिसका टाइप है UUID. नाउ इफ आई वांट टू चेंज दिस टाइप फ्रॉम UUID टू एन इंटीजर, देन इन दैट केस यू हैव टू क्रिएट ए मैपिंग मॉडल, और उसका प्रोसेस थोड़ा सा अलग है. मैपिंग मॉडल कैसे क्रिएट करना है इसे हम हैवीवेट माइग्रेशन के डेमो में सीखेंगे. To know more if your changes fit the lightweight migration criteria, I would recommend visiting the Apple's developer documentation for more details. Is documentation ki link maine video ke description pe mention ki hai, to please do check this out. So for today's demo, let's suppose that hamara ye application already app store pe hai and we have to make new changes for our new release. Version 1 mein hamare app mein sirf ek hi entity thi, which is employee. But ab hame is employee entity mein ek naya attribute add karna padega, which is job title. We will be renaming the existing attribute first name to name. We will add a new entity with the name department, which will have relationship with the entity employee.
मजे की बात यह है कि कोर डेटा में ये सारे चेंजेस सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड हैं। सो लेट्स स्विच टू एक्सकोड एंड स्टार्ट कॉन्फ़िगरिंग अवर एक्सी डेटा मॉडल फॉर अवर न्यू रिलीज। सो एज ऑफ नाउ इन माय डेटाबेस आई जस्ट हैव वन टेबल दैट इज सीडी एम्प्लॉय एंड इफ आई ब्राउज द डेटा तो मैं देख सकता हूँ कि जो मेरा एम्प्लॉय टेबल है उसमें कुछ रिकॉर्ड्स हैं दैट इज रवि एंड कोडकैट 15। सो राइट नाउ इनसाइड द एक्सी डेटा मॉडल वी हैव ए एंटिटी दैट इज सीडी एम्प्लॉय और इस एम्प्लॉय एंटिटी में हमें चेंजेस करना है। सो रादर देन मेकिंग द चेंजेस ओवर हियर what we are going to do is we are going to tap on editor, we are going to select add model version, and over here I'll just write v2 finish, and over here you can see yahan pe jo hamara xc data model hai abhi ek arrow aa gaya hai. So let me tap on this, or now you can see ki there is a migration demo.xcdatamodel and there is migration demo v2.xcdatamodel. Notice one thing कि जो migration demo XCData डेटा मॉडल है इट हैज़ अ ग्रीन टिक ओवर हियर विच मीन्स दैट दिस इज द करंट मॉडल वर्जन यानी आप जो भी चेंजेस करोगे कोर डेटा विल यूज दिस मॉडल वर्जन। सो वी हैव टू मेक श्योर कि ये जो ग्रीन टिक है इट इज नॉट ऑन माइग्रेशन डेमो बट ऑन माइग्रेशन डेमो v2 बिकॉज वी विल बी यूजिंग v2 वर्जन फॉर अवर नेक्स्ट रिलीज। सो टू मेक श्योर दैट दिस ग्रीन टिक इज ओवर हियर ऑल यू हैव टू डू इज सेलेक्ट द माइग्रेशन डेमो v2 गो टू फाइल इंस्पेक्टर और यहाँ पे यू हैव एन ऑप्शन कॉल्ड एज मॉडल वर्जन एंड एज यू कैन सी द करंट मॉडल वर्जन इज सेट टू माइग्रेशन डेमो सो चेंज इट टू माइग्रेशन डेमो v2 एंड नाउ द ग्रीन टिक इज ऑन माइग्रेशन डेमो v2। माइग्रेशन का ये सबसे पहला स्टेप है, इस स्टेप को अगर आपने स्किप किया तो टेस्टिंग में इश्यूज आ सकते हैं। सो क्रिएटिव डेवलपर्स की तरह कोड करने की घाई मत करना, मेक श्योर यू कंप्लीट दिस स्टेप फर्स्ट एंड सी द ग्रीन टिक मार्क ऑन योर न्यू मॉडल वर्जन। अब एक सवाल यहाँ पे ये हो सकता है कि हमने मॉडल वर्जन क्यों क्रिएट किया, हम डायरेक्टली चेंजेस क्यों नहीं कर सकते थे। वेल टू एक्सप्लेन दिस लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। मैं अपने घर की चाबी से सिर्फ मेरे घर का दरवाज़ा अनलॉक कर सकता हूँ राइट, मैं किसी और के घर का दरवाज़ा अनलॉक नहीं कर सकता और अगर मैंने ट्राई किया भी तो वो दरवाज़ा नहीं खुलेगा बिकॉज द की इज़ नॉट कंपैटिबल विद दैट लॉक। यहाँ भी कुछ ऐसा ही है, एज वी हैव सीन इन द कोर डेटा इंट्रोडक्शन वीडियो द परसिस्टेंट कंटेनर यूजेस द एक्सी डेटा मॉडल टू क्रिएट एंड मैनेज द कोर डेटा स्टैक। अब अगर हमने सेम एक्सी डेटा मॉडल में चेंजेस किए होते तो कोर डेटा स्टोर ओपन नहीं होता बिकॉज यू हैव चेंज द आइडेंटिटी ऑफ द सेम एक्सी डेटा मॉडल दैट कोर डेटा यूज टू परफॉर्म इट्स ऑपरेशन एंड दिस मे कॉज अ क्रैश इन अवर एप्लीकेशन। मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूँ कि आज का जो डेमो है इट्स बेस्ड ऑन द अजम्पशन कि हमारा ये एप्लीकेशन ऑलरेडी एप स्टोर पे है और हम नए वर्जन के चेंजेस कर रहे हैं। सो नाउ लेट्स गो अहेड एंड मेक चेंजेस टू अवर एंटिटी। सो आई एम गोइंग टू सेलेक्ट माइग्रेशन डेमो v2 एंड ओवर हियर यू कैन सी कि जिस तरीके से हमारे माइग्रेशन डेमो में एक एंटिटी थी विद द नेम सी डी एम्प्लॉय उसी तरीके से माइग्रेशन डेमो v2 में वी हैव एन एंटिटी सी डी एम्प्लॉय। सो आई एम गोइंग टू मेक चेंजेस ओवर हियर। सो आई विल टैप ऑन द ऐड बटन, जॉब टाइटल इज गोइंग टू बी ऑफ द टाइप स्ट्रिंग। सो नाउ आई विल ऐड अ न्यू एंटिटी विद द नेम सी डी डिपार्टमेंट। I'll add an attribute ID of the type UUID, department name is going to be of the type string, the relationship is going to be to employee, destination is CD employee, और ये जो relationship है क्योंकि एक department में बहुत सारे employees होते हैं, so the relationship type, let me set this, the code gen to manual none, let me save this, and the relationship type is going to be too many. And over here, in the case of a CD employee, I will add a relationship to department. और क्योंकि एक employee सिर्फ एक ही department को belong करता है, I'll just make sure कि इसका जो relationship type है, that is set to 1, and the inverse is set to 2 employee. Perfect. So one thing over here is a department can contain multiple employees, and I have just named it 2 employee, which is singular. So let us go ahead and change that to plural, that is 2 employees. Over here I think ek last change mujhe karna hai, that is I need to rename this first name to just name. Aapke naye version mein agar aapko entity attribute aur relationship ko rename karna hai to we have to use the renaming identifier. In this case I want to rename this first name attribute to name. So what I'm going to do is I'm going to select this attribute, I'm going to go inside the data model inspector aur yahan pe you can see there is something called as a renaming ID which is the renaming identifier. Core data uses this renaming identifier to detect name changes. So what I'm going to do is I'm going to rename this first name to name and over here I'll write first name.
Renaming identifiers are case sensitive, so it has to match the same name of the attribute जिसे आप rename करना चाहते हो. Now I think we have everything in place and all that is left is recreating the manage object subclass. So let me save this first. और यहाँ पे already CoData support file में कुछ manage object subclass created है. So let us go ahead and delete that. And now I'll select the migration demo, editor, create NS manage object subclass. और यहाँ पे अभी आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, that is migration demo v2 and migration demo. Since we are using v2, I'll just make sure that यहाँ पे जो checkbox है, it is checked. Next, I'll select employee. Next, and I'll make sure that I have it inside the CoData support files. Create. Let me create some space. और यहाँ पे inside view controller, we have some code. So we are getting the error because जो पहले हम लोग first name use कर रहे थे, it has now been replaced with name. So I'll just go ahead and replace this with name. I'll remove this. So now let me scroll over here. और यहाँ पे I'm going to print the new attribute that we added, that is employee job title. Now let me build the application. We are actually done with the migration and this is all you have to do for lightweight migration. But there is one thing which I want to share. अगर आपने migration के बारे में कहीं read किया होगा या फिर कोई blog या video देखा होगा, तो उसमें एक code हमेशा सामने आता है, which is, let me switch to persistent storage for that. So over here, you can see there is a description which is of the type persistent store description. So over here, you can see I'm setting some properties to true, which is should migrate to store automatically. And the second one is should infer mapping model automatically. And to be honest, ye jo code hai, iski aapko koi zarurat nahi hai, because as per Apple's developer documentation, should infer mapping model automatically, the default value is already set to true. And in the case of should migrate store automatically, the default value is also set to true. So jin options ki default value already true hai, use aap fir se true kyun set kar rahe ho? Why be creative when things are already simplified? So over here, we can just go ahead and get rid of this code. So now let me just run the application. So over here, you can see ki jo name hai wo print hua hai. And nil is basically the job title. Hamare previous version mein job title naam ka koi attribute nahi tha. And that is the reason when we print the job title gets printed as nil. But what I'm really interested is ki jo hamara database hai wo dikhta kaise. So let me just copy this entire thing. And let us go to the database. Library, application support. Over here we have the database. So let me open this by using the DB browser. So yahan pe aap dekh sakte ho ki we have two new tables. Well, actually only one new table because ye jo employee table tha, wo already tha hamare paas. So let us see how this employee table looks like. Let me browse the data. This is the department table. So let me switch to employee. Aur yahan pe aap dekh sakte ho ki we have the new relationship. We have a new attribute, that is the job title. Aur jo first name column tha, it is now changed to name. Aur jo data hai, it is same intact, that is Ravi and CodeCat 15. So as you can see, kitna easy hai lightweight migration karna, and it is just configuration. Now developers can actually focus on their application and business logic than worrying about migration, because with core data, things are actually very simple and easy. I really hope you enjoyed the session. If you like this video, then please give a thumbs up. And if you're new to the channel, then please subscribe. That being said, thank you so much for watching this. Have a nice day and happy iCoding. Bye-bye.